आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी आलू के लच्छे वाले रोल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने चिकन की फिलिंग में 4 से 5 चम्मच वाइट सॉस डाल दिया है। आप चाहे तो चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने ये जो चिकन बनाया है, किस तरह से बनाया है वो आपको इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप चाहे तो नॉर्मल जो कीमा होता है मसाला वाला वो भी यूज़ कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू, 4 छोटे साइज़ की गाजर, गाजर ऑप्शनल है, आप चाहे तो सिर्फ आलू का भी बना सकते हैं। आलू को हम छील लेंगे और इस छीलने के बाद इसको घिस लेंगे। जो घिसनी होती है उसका जो मोटा वाला हिस्सा होता है उससे घिसना है, बारीक वाले हिस्से से नहीं। अब इसमें हम ब्लैक पेपर 1/2 चम्मच, नमक 1/4 टीस्पून और ओरिगैनो भी डाल देंगे 1/2 चम्मच और चीज़ है 1/2 कप। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो चम्मच खाने का तेल डाल देंगे। आप चाहे तो इसकी जगह घी या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बेकिंग ट्रे के ऊपर हम बटर पेपर लगा लेंगे और अच्छे से इस तरह से फैला लेंगे और इसको हम बेक कर लेंगे। इसको हम बेक कर लेंगे 10 to 15 मिनट्स और जो टेम्परेचर है हमारा वो 200 होना चाहिए। देखिए हमारा अच्छे से बेक हो चुका है और गरम गरम में ही इसको हमको कट कर लेना है। और जो चिकन की फिलिंग है हम इसको इस तरह से इसके साइड पर रख कर इसको पैक कर देंगे हल्के हाथों से। ये देखिए इस तरह से हमारे ये सारे जो रोल है लच्छा रोल वो सब रेडी है। और इसको के ऊपर आप चाहे तो व्हाइट सॉस डाल दें या फिर जो आपके पास चीज़ अवेलेबल हो वो डाल के इसको और 5 मिनट के लिए बेक कर लेंगे और हमारा बहुत ही टेस्टी लजीज नाश्ता रेडी है।